हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल राइट नाउ? नव्या, नाउ इट्स ऑडिबल। ओके ठीक है, मैंने खाली तुमने बहुत बात कर लिया है, शांति। किया प्लॉट कैसे, क्या कौन सा फंक्शन? एक्स एक्सिस पे ओके डॉलर एज, खाली एज लिखने से नहीं होगा ऑब्वियसली। डॉलर म्यू एक्स, तुम लोग लाइन चार्ट बोला है, टाइप लाइन दे दो। और एक्स लैब दोगे एज, क्योंकि अजीब लग रहा है बहुत ही वाला। वाई लैब दोगे म्यू एक्स, और या फिर क्रूड मोर्टैलिटी ऑफ, क्रूड फोर्स ऑफ मोर्टैलिटी भी बोल सकते हैं, या म्यू एक्स लिख सकते हैं। हाँ, टाइटल में लिख देना क्रूड फोर्स ऑफ मोर्टैलिटी। किसका? 6 मार्क्स का है तो किसका? ऑफ फीमेल्स, फीमेल्स था ना, फीमेल्स इन योर 1920। सो डेटा 1921 का है ना, तो वो पूरा चीज तुम लोग को लिखना पड़ेगा। दैट क्रूड फोर्स ऑफ मोर्टैलिटी फॉर 1921 फीमेल पॉपुलेशन फ्रॉम ह्यूमन मोर्टैलिटी डेटाबेस। 6 मार्क्स है, फ्री गिफ्ट नहीं है। सुन लो, टाइटल का 1 मार्क, एक्स लैब वाई लैब का मिला के 1 मार्क, या टाइटल का हाफ मार्क भी समझ सकते हैं, वरना हाफ मार्क्स लेबलिंग का हुआ। ठीक है, लाइन चार्ट का 1 मार्क, एंड बाकी प्लॉट फंक्शन का 1 मार्क, मतलब प्लॉट और उसके अंदर तुम लोग लिखोगे। 4 मार्क फॉर द कोड एंड 2 मार्क्स फॉर द ग्राफ। ठीक है, अच्छा इनफैक्ट आई थिंक 2 मार्क भी नहीं दिया इन्होंने, इन्होंने ग्राफ का हाफ मार्क ही दिया। सो 5.5 मार्क्स फॉर द, 5 मार्क्स अप्रोक्सीमेटली फॉर द कोड। तो टाइप मेन एक्स लैब वाई लैब को मिला के 2 मार्क्स, प्लॉट फंक्शन लिख रहे हो उसका 1 मार्क, एक्स मतलब एज मोर्टैलिटी वो ले रहे हो उसका 1 मार्क, टाइप इक्वल्स एल लिख रहे हो उसका 1 मार्क। टोटल 5 मार्क तुम्हारा प्लॉट फंक्शन का, और 1.5 मार्क से 1 मार्क टू फेस द ग्राफ। सो दोज हु थिंक दैट दिस इज अ फ्री गिफ्ट, आपका यही मार्क्स डिडक्ट होता है। आप लोग अच्छे से कमेंट, आप लोग अच्छे से ग्राफ को लेबल नहीं करते हो। नेक्स्ट करें, सब लोग लेबल करेंगे प्लीज। एंड हमने फर्स्ट क्लास में कॉपी पेस्टिंग किया था, सो अगेन इफ यू वांट टू ट्राई कि कॉपी पेस्टिंग के साथ कितना टाइम लग रहा है, आप लोग करो, क्योंकि घर पे एनीवेज यू विल नॉट प्रैक्टिस। तो अभी प्रैक्टिस कर ही रहे हैं साथ साथ में। तो मैंने क्या बोला था, 3 क्वेश्चन है, वी विल मेक 3 स्क्रिप्ट्स, एंड हर एक स्क्रिप्ट में एक क्वेश्चन करना है। जैसे हमारा बीच में थोड़ा गड़बड़ाया, ऑब्वियसली वी विल यूज दिस एंड वी अगेन रन, तो वो सारा हमारा कंसोल में आ जाएगा। पूरा कंसोल सिलेक्ट करेंगे, कॉपी एंड पेस्ट इट इन वर्ड, एंड जहां जहां ग्राफ है बीच बीच में ग्राफ को पेस्ट करना है। तो ये सब हमने फर्स्ट क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। दोज हू मिस्ड इट प्लीज वॉच द वीडियो। एंड यस यश गोधानी, हम लोग 2019 से सॉल्व करते हुए आ रहे हैं ना। पेपर ही तो हो गया September 2023, सुबह वाले सेशन में हो गया, तुम नहीं थे उसमें। तुम वीडियो कर लेना, आज अपलोड कर देंगे मोस्टली, डोंट वरी। कॉलेज है ना तुम्हारा? ठीक है, यू आर इन मुंबई राइट? चलो नेक्स्ट। मुंबई स्टूडेंट्स आर वेरी गुड, कैलकटा स्टूडेंट्स आर वेरी बैड। चलो, कमेंट ऑन द एज पैटर्न, कमेंट ऑन द एज पैटर्न ऑफ द क्रूड वैल्यूज ऑफ म्यू एक्स। चलो पता ही था, कमेंट ही करने बोलेंगे, बोलो। 4 मार्क है, 8 लाइन बोलना पड़ेगा, 8 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, 8। ठीक है, तो सबसे बेस्ट पॉइंट सुनने में बहुत वो है, बट ऑब्वियसली यू हैव टू एक्सप्लेन द ग्राफ। तो एज योर एज योर एज इंक्रीजेस, म्यू एक्स इंक्रीजेस, एंड देर इज अ
शार्प इंक्रीज और एक्सपोनेंशियल इंक्रीज विच हैपेंस, तुम जो एक पॉइंट बोला उसको तुम और इलाबरेट करो ताकि तुमको उस पॉइंट का वन मार्क मिले. सो एज द एज इंक्रीजेस, म्यूएक्स इंक्रीजेस या क्रूड मोर्टैलिटी इंक्रीजेस, इट इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली आफ्टर एज 60-65 के अराउंड. ठीक है, और 80 के बाद करेक्ट. तो ये बोलेंगे कि वी सी अ लॉट ऑफ स्पाइक्स इन द ग्राफ बिटवीन एजेस 70 and 85 या 80, जो भी बोल सकते हो, 85 भी बोल सकते हो रैंडमली. आई थिंक 80 से बाद में भी है तो 85 बोलना बेटर है. सो यू सी सम रफनेस और सम रैंडम स्पाइक्स इन द म्यू एक्स फ्रॉम 70 to 85. तो ये क्यों हो रहा है? क्या रीजन दे सकते हैं? दिस ठीक है, एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ सैम्पलिंग, क्योंकि हमने सैंपल उठाया 1921 में, तो हो सकता है उस एज में उतने ज्यादा सैंपल नहीं मिले उस पॉइंट पे, तो इसीलिए स्पाइक्स हमें दिख रहे हैं. एंड क्योंकि आपको क्रूड वर्ड मेंशन्ड है, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग दैट वी डू, वो लाइन लिखेगा ना, उसका वन मार्क मिलेगा. एंड द रेट्स नीड्स टू बी ग्रेजुएटेड बिफोर मूविंग अहेड या बिफोर यूजिंग द रेट्स फॉर फोरकास्टिंग एंड प्रिडिक्शन, तब जाके एग्जामिनर आपसे खुश होगा. क्या क्या वर्ड्स था? ग्रेजुएशन, जो देख के समझ में आ रहा है भाई ग्रेजुएशन चैप्टर का, क्रूड मोर्टैलिटी रेट्स है, इंक्रीजिंग, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग आफ्टर सर्टेन एज, तो ये सारा चीज तो बोलते ही हो, बट एडिशनल पॉइंट्स दोगे तभी तो मार्क्स मिलेगा. चार हो गया. एक हमने बोला इट्स इंक्रीजिंग, उसको हमने और अच्छे से समझा दिया कि एक्सपोनेंशियली आपका इंक्रीज हो रहा है, वो आपका सेकेंड पॉइंट हो गया. एक ही रैंडम स्पाइक्स हो गया एंड फोर्थ पॉइंट ग्रेजुएशन. हाँ, as the age increases, mu x increases, and then you talk about this particular area, then you talk about the spikes. Spikes ka you give the reason as well, and then you talk about graduation. Next is the Comperts law of mortality can be expressed as mu x equals to bcx. Pata hai hum log ko. Perform a graduation of the crude values of mu x using Comperts formula, specifying the values of b and c in your answer script. Kaise nikalenge b and c? अगर दोनों तरफ लॉग लोगे तो क्या होगा? लॉग म्यू एक्स इक्वल्स लॉग बी प्लस एक्स लॉग सी, इट बिकम्स अ लीनियर एक्सप्रेशन, लीनियर इक्वेशन ऑफ लॉग म्यू ऑन एक्स, है ना? ये हमने किया है. इफ यू ऑल रिमेम्बर, जो आपका अल्फा वाला टर्म आएगा, अगर हम लोग जो आपका a प्लस बी एक्स होता है ना, तो जो आपका अल्फा वाला टर्म है दैट इज योर लॉग b, है ना, और बीटा वाला जो टर्म है दैट इज योर लॉग c. तो फिट करो इसमें b और c, और कैसे निकालेंगे? पूरा डेटा यूज करके. अगर क्वेश्चन में बोलते खाली दो पॉइंट्स, ये हमने किया है असाइनमेंट में, अगर हम लोग को बोलते कि खाली दो पॉइंट यूज करके निकालो, तो दो एजेस को डाल के बी एन सी निकालते, बट आपको पूरा डेटा यूज करके बी एन सी निकालने, तो और कैसे निकालोगे? अब कैसे एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन इसमें फिट होगा बताओ? गॉम्पर्ड्स मॉडल, एलएम ऑफ लॉग ऑफ डॉलर म्यू एक्स टिल्ड डॉलर एज. ठीक है,
कॉमा डेटा इक्वल्स मोर्टैलिटी डेटा भी लिख सकते थे अगर मैंने डॉलर ऑलरेडी यूज कर लिया है, डॉलर नहीं यूज करके एज न्यू एक्स एंड एज लिखते तो डेटा इक्वल्स लिखना पड़ता, सेम थिंग। अब अगर हम लोग इसको रन करें तो देखो ये जो आ रहा है कोएफिशिएंट्स, तो ये जो इंटरसेप्ट है ये लॉग बी है, ये हमारा लॉग सी है, तो बी और सी निकाल लो, बी हो जाएगा बी दिस इज इक्वल टू लॉग बी, तो बी इज एक्सपोनेंशियल ऑफ दिस, यस और नो, तो एक्सपोनेंशियल ऑफ गॉम्पर्ड्स मॉडल डॉलर कोएफिशिएंट्स का फर्स्ट वाला इज बी एंड सेम यू विल डू फॉर सी स्मॉल सी। तो आपका बी एंड सी का वैल्यूज आ जाएगा, ठीक है, लिखना पड़ेगा फिर आप लोग को, हेंस न्यू एक्स इज इक्वल टू 0.0003828 इंटू 1.06997 टू द पावर एक्स, ठीक है, बी एंड सी स्पेसिफिकली स्टेट करना पड़ेगा, हेंस बी इज इक्वल टू दिस एंड सी इक्वल टू दिस इन द कमेंट। This is not new. We have done this. Perform a chi square. अब एक नया वी कैन एड अ कॉलम टू द टेबल, मोर्टैलिटी डेटा डॉलर ग्रेजुएटेड, या अपने क्या बोलते हैं म्यू स्विगल म्यू ग्रेजुएटेड रेट्स को म्यू हैट एक्स भी बोलते हो, तो वो भी लिख सकते हो, ग्रेजुएटेड म्यू एक्स भी लिख सकते हो, म्यू एक्स कैसे निकालेंगे, बी into c to the power x, x क्या है, कोई डाउट है तो पूछ लो, देख लो इसमें जाके, ग्रेजुएटेड रेट से एड हो गया इधर graduated new x, नेक्स्ट वाला खुद से करो, टाइम स्क्वायर टेस्ट है,
परफॉर्म अ काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट. वेट वेट किसका कर रहे तुम लोग, खुद से करो ना. ऑफ द ग्रेजुएटेड विथ म्यू एक्स यूजिंग 95% कॉन्फिडेंस. तो हम लोग क्या करते थे, टेस्ट ऑफ ग्रेजुएशन. नल हाइपोथेसिस क्या होगा, ग्रेजुएटेड रेट्स इज सेम एज द अंडरलाइंग रेट्स, ट्रू मोर्टैलिटी रेट्स, कुछ भी क्रूड रेट्स. तो करो खुद से, चाहे जेड एक्स का कॉलम बना लो. जेड एक्स क्या होगा, किसको किससे माइनस करेंगे, ऑब्जर्व कौन सा, इधर कौन सा, क्रूड वाला की क्रूड वाला. तो क्रूड माइनस ग्रेजुएटेड डिवाइडेड बाय उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय ग्रेजुएटेड, ये जेड स्क्वायर हो गया. तुम निकालो जेड स्क्वायर का कॉलम. जेड स्क्वायर नहीं बना, नहीं 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 कर सकते, नहीं कर सकते. 9 मार्क्स है, पूरा प्रोसेस दिखाना होगा, नहीं कर सकते. आई डोंट नो, इनका मार्किंग स्कीम बहुत ही घटिया है. इन्होंने करके उसको 1 मार्क दिया और बाकी 9 मार्क्स कहां से मिल रहे पता नहीं एग्जामिनर्स रिपोर्ट में. बट हम लोग को करना पड़ेगा क्योंकि 9 मार्क्स है. नल हाइपोथेसिस पहले लिखना पड़ेगा. द नल हाइपोथेसिस इज द गॉम्पर्ट्स ग्रेजुएटेड रेट्स आर द अंडरलाइंग ट्रू मोर्टैलिटी रेट्स. ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज ग्रेजुएटेड रेट्स आर नॉट इक्वल टू द ट्रू अंडरलाइंग मोर्टैलिटी रेट्स. ये लिख देना, वापस नहीं रिपीट कर सकते, सॉरी. उसके बाद हाँ तो लिखना पड़ेगा ना, पर ये पूरा लिखना पड़ेगा. नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. मोर्टैलिटी डेटा डॉलो अरे नया बनाते हैं जेड एक्स विच इज डॉलो म्यू एक्स माइनस का स्क्वायर. अच्छा स्क्वायर नहीं ले रहे हैं, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ देख लो ये जेड एक्स आ गया. अगर तुम लोग को एक और जेड एक्स स्क्वायर का कॉलम बनाना है वो भी बना सकते हैं, नॉट रिक्वायर्ड. टेस्ट स्टैटिस्टिक्स निकालो. हाँ जेड एक्स स्क्वायर डायरेक्टली कर लो ना. टेस्ट स्टैटिस्टिक्स. अच्छा हाँ 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 भाई, मैंने सोचा कि क्या गलत है, म्यू एक्स से गलत हो जाएगा, डी एक्स निकालना होगा. नहीं बट कर सकते हैं, यहाँ पे सेम होगा इधर, क्योंकि डी एक्स नहीं दिया होगा. तुम कैसे निकालेगा, तुम दोनों को ई सी एक्स से मल्टीप्लाई करेगा, तुम दोनों को ई सी एक्स ही तो मल्टीप्लाई करेगा, वो कैंसल आउट हो जाएगा एनी वेज. ऊपर ऊपर में ECX कॉमन आ जाएगा, अब नीचे में तो रूट में आएगा ना. बट आई थिंक कर सकते हैं इस केस में, बिकॉज अगर हम लोग को ऑब्जर्व डी एक्स दिया हुआ होता है तो हम लोग करते. सम आ रहा है इन लोग का 114 पॉइंट. इन लोग भी म्यू एक्स ही किया शायद. क्या किया इन लोग, अच्छा इन लोग मल्टीप्लाई किया एक्सपोज टू रिस्क. हाँ 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 कैंसिल तो नहीं होगा, करना पड़ेगा करेक्ट. नहीं नहीं ठीक है, पूरा करते हैं मल्टीप्लाई. मोर्टैलिटी डेटा डॉलर करना पड़ेगा मल्टीप्लाई. ये गलत हो गया अपना, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली म्यू एक्स को हाँ सही है, डायरेक्टली नहीं कंपेयर, गलत आ जाएगा, छोटा आएगा इनफैक्ट बहुत ज्यादा, विच इज नॉट सॉल्व. मतलब उसको हम लोग, वो हम लोग का एक्सेप्ट ही होगा हर बार. डॉलर दिस डिवाइडेड बाय इधर पे भी कॉल, ठीक है क्लियर हुआ.
म्यू एक्स इंटू ई सी एक्स माइनस ई सी एक्स इंटू म्यू हैट एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ई सी एक्स इंटू म्यू हैट एक्स, क्योंकि अगर हम लोग स्ट्रेट अवे म्यू एक्स को लेके करेंगे तो बहुत छोटा वैल्यू आएगा एंड वो हमेशा एक्सेप्ट होगा काई स्क्वायर. अरे कहाँ है रिमोट, करो इंक्रीज करो, कितना है? हाँ 27 कर दो. अब देखो एक बार जेड एक्स का वैल्यूज आ गया, ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ जेड एक्स का स्क्वायर, स्क्वायर लेना मत भूलना, ठीक है? चेक करो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, 114. तो अब इसमें लिखना तुम लोग, द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स विल फॉलो काई स्क्वायर विथ कितना डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, डिग्रीज ऑफ लेंथ निकाल लो ना डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए. डीओएफ इज लेंथ ऑफ, या फिर एनरो निकाल लो, एक ही बात है, पूरा नहीं लिखना. तो एनरो माइनस वन करने करना पड़ेगा क्या? क्यों क्या निकाले? वेरी गुड. माइनस, ये कौन सा मेथड ऑफ ग्रेजुएशन है? पैरामेट्रिक मेथड ऑफ ग्रेजुएशन है. तो जितने भी आपके नंबर ऑफ पैरामीटर्स होते हैं वो आप माइनस करते हो. तो बी और सी आपके दो पैरामीटर्स है तो ये आप माइनस करोगे. तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का भी आपको तो ये लिखना पड़ेगा, खाली ऐसे लिखने से नहीं चलेगा. आपको यहाँ लिखना होगा द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स विल फॉलो काई स्क्वायर विथ कितना आ रहा है, 66? नहीं नहीं 66 ही है, 66 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. अरे कर दिया है माइनस टू भाई, देखो है वो हमें रन नहीं किया था क्या? ठीक है 64 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, और 64 कैसे आ रहे हैं वो भी लिखना पड़ेगा. सिंस वी हैव टू सिंस दिस इज ग्रेजुएशन यूजिंग पैरामेट्रिक मेथड एंड वी हैव टू पैरामीटर्स बी एंड सी, द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम विल बी टोटल नंबर ऑफ एजेस माइनस टू. ये पूरा लिखोगे तब जाके वन मार्क मिलेगा. अब कैसे करेंगे, पी वैल्यू निकाल लो. पी वैल्यू क्या निकले से, क्यू का स्क्वायर. इससे या तो आप लोग वो निकाल लो क्रिटिकल वैल्यू, इससे क्रिटिकल वैल्यू आएगा, या फिर मेरे को लगता है स्ट्रेट अवे पी का स्क्वायर, इसमें डालेंगे टेस्ट स्टैटिस्टिक्स कॉमा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अपना डीओएफ में है और लोअर टेल फॉल्स क्योंकि ग्रेटर देन निकलते हैं. काई स्क्वायर टेस्ट इज अ राइट टेल टेस्ट. तो कितना आ रहा है, ऑलमोस्ट 0%. तो अब लिखोगे सिंस द पी वैल्यू इज लेस देन 5%, वी रिजेक्ट, वी हैव सफिशियंट एविडेंस टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस एंड कंक्लूड दैट द गॉम्पर्स ग्रेजुएशन इज नॉट अ गुड फिट. पूरा लिख लिख के करो, इजी क्वेश्चन. इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है ना वो कॉपेला के ऊपर है, तो मैंने लाइव क्लास में नहीं कराया, बट मैंने पिछले बार कॉपेला पैकेज कराया था. इस बार मैंने नहीं कराया कॉपेला पैकेज बिकॉज उन्होंने डायरेक्टली सिलेबस में नहीं है. आई विल अपलोड द वीडियो बट आई फेल्ट कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है कॉपेला पैकेज, तो मैंने इस बार लाइव क्लास में नहीं कराया, बट आई विल अपलोड द वीडियो ऑफ इट. ये अपने आप इसका कैमरा कैसे बंद हो गया? एक सेकेंड.
नेक्स्ट करते हैं, हो गया सबका ये क्वेश्चन, सब अच्छे से लिखा है ना सब कुछ, एवरी स्टेप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। बिफोर आंसरिंग दिस क्वेश्चन द पैकेज ऑफ कॉपिला शुड बी लोडेड, ये कर लो जिन लोग का नहीं है। ये मैंने लास्ट टाइम ये पढ़ाया था पैकेज, इस बार आई थॉट कि इट्स नॉट वेरी इम्पोर्टेंट बिकॉज एनी वेज द क्वेश्चन दैट दे हैव गिवन, आई थिंक मेरा में ऑलरेडी है, नहीं है क्या? ठीक है, लोड कर लेंगे। कर लो इसको। हो गया, अ कॉपुला मॉडल इज टू बी कंस्ट्रक्टेड ऑफ द डिपेंडेंस बिटवीन एनुअल एवरेज टेम्परेचर एक्स इन डिग्री सेल्सियस एंड एनुअल रेनफॉल वाई इन अ रीजन एट रिस्क ऑफ डेजर्टिफिकेशन, द मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्स ऑफ एक्स एंड वाई इज गिवन। तो एक्स हमारा क्या है, टेम्परेचर है, एंड वाई हमारा एनुअल रेनफॉल है। टू कॉपल, इन लोग बहुत बात करते हैं, इन लोग तीनों जन पीछे इतना नहीं झगड़ना होगा। Two copulas are under consideration to model the dependence of x and y. Pehla hai Gaussian copula with rho minus 0.5, a student's T copula with 3 degrees of freedom and rho minus 0.5. To in dono ko kaise hum log join kar, matlab joint PDF kaise nikalenge? Ek to using Gaussian copula ka use kya tha? Marginal CDF, marginal CDF daloge aega joint CDF. To ye wahi bol rahe hain, hum log ko joint CDF डिपेंडेंसी चेक करना है बेसिकली यूजिंग गॉसियन।